देखो आपकी बात, एक बात बोलूँ तो जो लोग ये बोला करते थे कि ये शहर दो जलसे का है, उनको निकलना पड़ गया। ज़मीन खिसकती हुई नज़र आने लगी तो ये मिली जोड़ इस तरह की बात करने लगी। मैं एकदम सच बोलूँ तो बिरादरीवाद फैलाने का काम इस शहर में 1999 में शुरू हुआ। उस वक्त उसमें एक अहम हिस्सा आज के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का था, जिन्होंने 1999 में उस वक्त के कांग्रेस के उम्मीदवार शेख रशीद साहब, जिनके लिए फतवा निकाला निहाल साहब के ख़िलाफ़, और उनको ओढ़ दिया जाए। और ये जोड़ी उस वक्त से इस शहर में दो बिरादरी को आपस में बांटने का काम काज की है। ये लोग जानबूझ के ऐसी, जब इनको लगा कि अब कोई तीसरी ताकत 25 साल के बाद इस शहर में खड़ी हो रही है, शहर उसके साथ जुड़ रहा है, तो ये एक सोची समझी प्लानिंग के तहत बोला गया जुमला है। ये मैं अगर दावे से बोलता हूँ कि इसमें आसिफ शेख और मुफ्ती साहब ने मिलकर सिर्फ और सिर्फ समाजवादी की ताकत कमज़ोर हो और शहर को फिर से दो बिरादरी में बांटा जाए, इस मकसद के तहत ये लोगों ने मिलकर इस तरह का जुमला बोला। और ये इसी तरह की पॉलिटिक्स से इस शहर में 25 साल से कर रहे हैं। निहाल साहब के वक्त कभी बिरादरी के नाम पे इलेक्शन नहीं हुआ, बिरादरी के नाम पे वोट नहीं हुई। इस शहर का बुनकर, इस शहर का मज़दूर, इस शहर का वो गरीब जिसको अपनी ज़रूरत है, इस मुद्दों पर इलेक्शन हुआ करता था। और जब ये सवाल इस शहर में गूंजने लगा कि 25 साल में इन्होंने क्या किया, 25 साल में इन्होंने एक स्कूल नहीं बनाई दोनों ने मिलकर, मैं हमेशा बोलता हूँ एक स्कूल अगर इन्होंने बनाई हो तो ये आए और बोले। जब काम करने की बात आई कि तुमने 25 साल में इस शहर को क्या दिया, मैं बोलता हूँ कि आसिफ शेख अगर इस फ्लाईओवर ब्रिज पर खड़े होकर ये बोल दें कि ये मेरा कारनामा है तो मैं मान जाऊँगा, ये उनका बेवकूफ़ी वाला काम था। लेकिन जब लोगों को ये लगने लगा कि अब इस शहर को तीसरा नुमाइंदे की ज़रूरत है और शहर के लोग ख़ास तौर से बुनकर बिरादरी उस नुमाइंदे के साथ जुड़ने लगी, तो ये इस तरह का फितना छोड़ा गया है। ये फितने को ये मालेगांव शहर दफन कर देगा। और ये मिली जोड़ जो है शेख रशीद खानवादा और मुफ्ती इस्माइल के ख़ानदान शुरू होने की शुरुआत, इसको यहीं पर दफन कर देगा ये शहर। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये दोनों ने मिलजुल कर इस शहर को 25 साल लूटा है। और कई मिसाल है इसकी, 1999, 2004, उसके बाद जब नदी का 2007 में मुफ्ती साहब इस इलेक्शन में सियासत में आने की सबसे अहम वजह जो थी, जब शेख रशीद को ये लगने लगा 2007 में कि नदी का वो पार असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी से अलग होने वाला है, तो उनको ज़रूरत पड़ी कि निहाल साहब को कमज़ोर करने के लिए किसी को लाया जाए। ये खुली किताब है। आप आज सलीम अप्सरा जिंदा है, हमारे अतीक महिंद्रा साहब उनको अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, ये सब लोग इसके गवाह है कि इनको किस तरह से लाया गया। जब जब वक्त पड़ा कारपोरेशन में लूट मार का, उस वक्त मुफ्ती साहब ने उनका साथ दिया। और शेख रशीद और खानवादा या आज जो आसिफ शेख उनकी लीडरी कर रहे हैं, उनको एक बात का अच्छी से इल्म है कि इनके साथ तालमेल बनाकर काम किया जा सकता है। आप देखेंगे 2019 के इलेक्शन में जिन जिन लोगों ने काम किया मुफ्ती साहब का, सब लोगों को तकलीफ़ दी गई, मगर मुफ्ती साहब के घर पे उनकी औलाद को या मुफ्ती साहब को किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं दी गई। यहाँ तक कि उनके भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ भी एक लफ्ज़ नहीं बोला जाता, ना ये उनके खिलाफ़ बोलते हैं। अगर अब्दुल मालिक पे फायरिंग हुई, मैं जेल में गया, कंपाउंड वालों पे भी हमला हुआ, वो भी परेशान रहे, जो जो लोग एजाज बेग के घर हमला हुआ, तो आप इसको क्या समझते हो? ये मिली जोड़ नहीं है कि जो लोग मुफ्ती साहब का काम करते थे वो सारे लोगों पे हमले हुए, सारे लोगों को जेल भेजा गया, सारे लोगों के खिलाफ कोई ना कोई तरीके से उनको परेशान किया गया, मगर मुझे बताओ मुफ्ती साहब को परेशान किए? मुफ्ती साहब के किसी भाई को परेशान किए? मुफ्ती साहब की किसी औलाद को परेशान किए? ये मिली जोड़ है, और ये मिली जोड़ ये फितना आगे आने वाले इलेक्शन में हर हाल में लाएंगी। मैं मालेगांव शहरियान से और बुनकरों से ख़ास तौर से अपील करता हूँ कि इस तरह के फितना पैदा करने वाले को अपनी जगह इंशाल्लाह ये शहर दिखा देगा। तो
कोई अच्छा नुमाइंदा होना चाहिए, इसको आप कैसा देखते हैं? उनकी, मैं उनके बयान को खुशामदीद करता हूँ। उनको भी ये लग रहा होगा कि आज शहर को एक ज़रूरत है और हम उनसे मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। अगर वो कुछ चाहते हैं, कोई नई तब्दीली चाहते हैं, उनकी बात से एक बात तो वाजे हो गई कि वो ये बोले कि आज जो लोग हैं, आज जो लोग हैं इक्तदार में, यही दोनों 25 साल रहे हैं, ये शहर उस हिसाब से काम काज नहीं किया। अगर तीसरी ताकत से वो कोई उम्मीद लगाते हैं आगे नया मालेगांव बनाने के लिए, तो हम उनसे मिलेंगे, उनकी राय लेंगे, और उनकी राय अगर काम काज करने के लिए हमको देंगे तो हम उसको लेकर इलेक्शन में जाने की ज़रूर कोशिश करेंगे।